शाहजहांपुर जनपद की 6 विधानसभाओं में से एक विधानसभा है ददरौल, और यहां से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के राममूर्ति सिंह वर्मा। राममूर्ति वर्मा एक पत्रकार जगेंद्र को जिंदा जलाने के आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहे। वर्तमान सरकार में राममूर्ति वर्मा मंत्री भी हैं। अगर ददरौल विधानसभा की बात करें तो चौथे विधानसभा चुनाव के दौरान अस्तित्व में आई ददरौल विधानसभा। सपा के राममूर्ति सिंह वर्मा हैं ददरौल से विधायक। राममूर्ति वर्मा ने बीएसपी के रिजवान अली को हराया। 2002 से 2012 तक बीएसपी के अवधेश वर्मा विधायक रहे। 2012 में अवधेश वर्मा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। दो बार विधायक रहे अवधेश वर्मा, तीसरी बार तीसरे नंबर पर रहे। 1985, 1989, 1993, 1996 में कांग्रेस के रामोतार विधायक चुने गए। इस सीट पर कभी भी बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया। 2012 में समाजवादी पार्टी को पहली जीत नसीब हुई। ददरौल में कांग्रेस को अंतिम जीत 1996 में मिली। काफी समय तक विवादों में रहे मंत्री और ददरौल विधायक राममूर्ति वर्मा ने काफी वायदे किए थे जनता से, और अब दावे भी कर रहे हैं उनके पूरा होने का। हकीकत जानने हम जनता के बीच पहुंचे और विधायक के दावों को परखा, पूछा विधायक से आखिर कौन से विकास कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में किए। आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? रुद्रपुर खिरियाहीर में रुद्रपुर 2010 में पप्पा की सरकार थी, भयंकर सैलाब आया था, गर्गा नदी ने सड़क अजीजगंज भगवान की जो बिल्कुल काट दी थी, और लगभग स्वभाव से गांव का आवागमन अबुल था, उसको माननीय लोकमंत्री शिवपाल सिंह यादव जी ने स्वीकार कर सड़क व्यवस्था बनवाने का काम किया है। तुम्हारे गांव की सड़कों का क्या हाल है, बनवाई गई विधायक निधि द्वारा या नहीं? बनवाई गाँव में रोड की क्या स्थिति है, बनवाई गई है क्या विधायक निधि द्वारा? अभी नहीं साहब, बनी है। कितनी खराब रोड है? रोड क्या खंजड़ा पड़ा हुआ है गांव में। यहाँ सड़क बनवाई गई? कुछ ना सड़क बनवाई गई, खंजड़ा जगह और कुछ नहीं बना हुआ। यहाँ गलियों में कोई निर्माण नहीं, और यहाँ की गलियाँ ऐसे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे लगभग बरसात में 2-3 महीने तो घर बैठे ही रहते हैं। यहाँ से अगर बढ़िया स्कूल में जा सकें तो जाने के लिए रास्ता ही बंद रहता है। दूसरा, ऐसा काम बताइए जिससे जनता आपको वोट करे। जो गंभीर बीमारियां हैं, चाहे वो गुर्दा चेंज होने वाली हो, हार्ट के बल्ब चेंज वाली हो, नली चोक होने वाली हो, लीवर चेंज होने वाली हो, ये तमाम जो गंभीर बीमारियां हैं जिनमें 5 लाख से 10 या 12 लाख तक रुपया खर्च होता है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से समय समय पर मिलता रहा, और तमाम मरीजों को, सैकड़ों मरीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की तरफ से पैसा देकर और उनको उनका इलाज करा के स्वस्थ बनाने का काम किया है। ये बताइए कि विधायक निधि द्वारा कोई सहायता मिली है इलाज कराने की? कोई सहायता नहीं। कैसे इलाज कराया? इलाज कराया अपनी खेती बेच के, तभी नहीं ठीक हुआ। विधायक निधि द्वारा किसी को जो है गंभीर बीमारी में अनुदान दिया गया? कुछ नहीं, किसी को भी नहीं दिया गया। आपको इलाज के लिए कोई विधायक निधि द्वारा कोई जो है सहायता उपलब्ध कराई गई? नहीं साहब। कैसे इलाज कराया आपने अपना? खेत बेच के कराया। आपकी कार्यकाल का तीसरा बड़ा काम क्या रहा? माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से लगभग 28 गांव राम राम मनोहर लोहिया समग्र गांव चयनित हुए हैं, और उसमें जितने भी विकास कार्य से संबंधित विभाग हैं उन सारे विभागों का कार्य प्रशासन की तरफ से कराया गया। पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, जानवर निकले ना, जानवर चत गए, उन्हें पानी पीने तक का ना आएगा,
नलमा कहाँ तक आए आदमी डर डर पिया हो जाए। विधायक द्वारा कोई कार्य कराया गया आपका? सुना है कार्य यहाँ से सुना है साहब। क्या व्यवस्थाएं जो है सरकार द्वारा कराई हुई है? कुछ नहीं, सरकार द्वारा एक दो नल लगे हैं वो बिगड़ रहे हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, हम बड़ा दूर से बदलाते हैं। विधायक द्वारा कोई जो है पानी की सुविधा नहीं कराई? सुविधा नहीं यहाँ है। बताइए बिजली की बत्ती आई नहीं रही? नहीं बिजली व्यवस्था ध्वस्त है, खम्भे टूटे हुए हैं। क्या है खम्भे ट्रांसफर सब टूटे हुए हैं, कोई देखभाल नहीं? तो देखभाल नहीं कैसे जो है लाइट आप लोग जला रहे हैं? खम्भे नहीं लगे हैं, बल्लियों से ले आ रहे लाइट। क्या विधायक द्वारा कोई खम्भे वम्भे लगवाए गए हैं? कोई खम्भे नहीं। तो जो है सरकार द्वारा मतलब जो है विधायक द्वारा कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं कराई? कुछ नहीं कराओगे शायद? बिजली के लिए खम्भे गड़े हैं लेकिन अभी तार नहीं, खाली खम्भे हैं। चौथा ऐसा काम जिसे लेकर जनता के बीच जाएंगे। हाई स्कूल के 8 विद्यालय हमारे क्षेत्र में सरकार की तरफ से बनवाए गए हैं, बन चुके हैं। इसके अलावा कई गल्ला रखने की गोदामें पैक्सपेट की तरफ से बनवाई गई हैं। छोटी छोटी मंडियों का 15-20 तक निर्माण सरकार की तरफ से कराया गया है। विधायक निधि द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक? कोई स्कूल वगैरह बनवाया गया विधायक निधि द्वारा? नहीं कोई कार्य नहीं हुआ है। निधि द्वारा कोई मंडियों का निर्माण कार्य कराया गया? छोटी छोटी मंडियों का कुछ नहीं कराया गया। मंडी का निर्माण कार्य कराया गया या बाजार का? कोई कुछ नहीं कराया। आपके क्षेत्र में किसी विधायक निधि द्वारा किसी मंडी का निर्माण कार्य कराया गया? नहीं हुआ हमारी समझ में नहीं, किसी विषय तो नहीं कराया गया। विधानसभा ददरौल विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि द्वारा किसी मंडी का निर्माण कार्य कराया गया है कहीं छोटी मंडियों का? नहीं हमारे यहाँ पर। राममूर्ति वर्मा जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और हमारी पड़ताल में फेल नजर आए। विकास ज्यादा विवादों में रहे, जनता भी तैयार है विधायक का रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए। देखना होगा कि राममूर्ति वर्मा की वापसी हो पाती है या नहीं। शाहजहांपुर से समाचार प्रेस के लिए कमलेश शर्मा की रिपोर्ट।